मथुरा स्कूल से 12 पास हुआ और मैंने ग्रेजुएशन पूना से की डीवाई पाटिल कॉलेज से और मास्टर डिग्री पूना से की स्ट्रक्चर में। और उसके बाद मैं फौरन कतर चला गया, 8 साल कतर में रहा और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों दोहर से कतर में मैंने खुद अपनी कंपनी एक लोकल पार्टनर के साथ इस्टेब्लिश की। 8 साल वहां पर मैंने लग्जूरियस विलास बनाए और बहुत सारे काम किए कमर्शियल। 2 साल मैं दुबई में भी रहा, दुबई में भी हमने हाई राइज बिल्डिंग का तजुर्बा हासिल किया। और एक कसक थी कि हमारा गांव क्यों पीछे, बस समझ लीजिए कि एक मसरूफ जिंदगी से तरक्की करते हुए शहरों को छोड़कर वापस मालेगांव की तरफ आए और हम लोगों ने यहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया। हमारा मालेगांव ही अभी आप देखेंगे, ईमानदारों देखेंगे तो सिर्फ मालेगांव पीछे है, ताल्लुकात भी इसके आगे, ताल्लुके और गांव भी इसके आगे जा चुके हैं। मैं खासतौर पर सीधा मकसद की तरफ आता हूँ। हम लोगों ने एक अक्सर टावर ये प्रोजेक्ट लॉन्च के सिलसिले में आपको बुलाया था। ये प्रोजेक्ट जो है मुसलसल 2-3 प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मक्का टावर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया आज से 3 साल पहले और वो हाथों हाथ सेल है और एक बेहतरीन सोसाइटी आप लोग वहाँ जाएंगे तो नजर आएगी। वहाँ की लिफ्ट की मुसलसल वर्किंग पोजिशन है और इसके पीछे सबसे पहले मकसद बयान करना चाहूँगा। बनाने इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले नेक नियति यह है कि अच्छे लोग वहाँ पर रहें, एक बेहतरीन साफ सुथरा माहौल बने, एक सोसाइटी कायम हो, रहने का सलीका कायम हो और एक सबसे मेन चीज़ के शहर के दरमियानी हिस्से में जहाँ तमाम तर सहूलियात मौजूद है वहाँ पर तमाम लोगों को रहने का मौका मिले। कैसा होता है कि कभी कभी बजट की वजह से लोगों को दूर जाना पड़ता है तो बहुत सारी सहूलियात से महरूमी होती है, तकलीफ होती है। फ्लैट सिस्टम में जो शहर के अंदर हम लोग मुसलसल बना रहे हैं इसमें रहने का फायदा यह है कि आपको स्कूल मदरसा कॉलेज और मसाजिद तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर मौजूद मिलेगी करीब में, इसमें अहबाब अकारीब भी करीब में रहते हैं तो आप उसी माहौल में वापस आ जाते हो जिस माहौल में पहले आप रहो, पहले से आप हो उस माहौल में वापस आते हो। तो हमने मक्का टावर एक प्रोजेक्ट किया जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। फिर दूसरा प्रोजेक्ट हमने अलहमद टावर किया, वो भी कामयाब रहा, वो भी कंप्लीट हुआ। तीसरा प्रोजेक्ट हमने हुआ टावर किया, चौथा प्रोजेक्ट हमने लकी टावर किया। अब उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह गांव के लोगों का इसरार और लोग जरूरियात की वजह से मुसलसल बनने से हमने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया अक्सर टावर। अब मैं खसूसियात की तरफ आ जाऊँ, अक्सर टावर के अंदर और तमाम मेरे टावरों के अंदर सबसे पहले तो हमने सोलार के रस्म किया है, जितने कॉमन एरियाज हैं उन सबका लाइट, लिफ्ट जो है सबसे अहम चीज लिफ्ट, लिफ्ट का इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आता है जो तकलीफ दे जाता है फ्लैट ओनर के लिए, हमने उसको सोलार पे कर दिया। 25 सालों तक की इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त रहेगी, लिफ्ट आपकी चलती रहेगी। वाटर पंप जो जलपरी वगैरह है उसको भी हमने सोलार पे कर दिया है, पानी का कोई टेंशन नहीं है, हर वक्त आपको पानी अवेलेबल रहता है। तीसरा जो कॉमन एरिया जिसका लाइट हो जाता है आमतौर पर उसका मेंटेनेंस नहीं करते बिल की वजह से, वो सारा हमने सोलार पे कर दिया, सबसे अहम चीज ही। दूसरी बात कि हम प्रोजेक्ट उस जगह पर ढूंढते हैं एकदम करीब मस्जिद हो, मदरसा हो और सबसे मेन हॉस्पिटल, ताकि आप अपनी मसरूफ जिंदगी में रहते हुए आप बेफिक्र रहें अपनी फैमिली की तरफ से। और तीसरा सबसे अहम मकसद जो है एक बेहतरीन माहौल में आप आ जाए, एक सलीकेदार माहौल में आ जाए, तमाम लोग मिलकर वहां पर रहें और एक दूसरे को समझें और साफ सफाई के साथ वहां पर रहें। मेंटेनेंस वगैरह इतना कम आता है कि सिर्फ आपको सफाई रखना है, बाकी तो सब कुछ सोलार पर हो गया। तो हमारा प्रोजेक्ट बनाने का मकसद ही यही है कि लोग बहुत दूर दराज इलाके में जाकर जहां पर रोड नहीं है, गटर नहीं है, मीठे पानी का इंतजाम नहीं है, वो सारी तकलीफ से बचते हुए शहर में रहें, करीब रहें, अपने लोगों से करीब रहें। इसलिए हम लोगों ने 5वां-6वां प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया। इसके बावजूद अभी मुसलसल और इसरार है, इंशाल्लाह 2-3 महीनों के अंदर हम यके बाद दिख रहे 3 और प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। इसका बुकिंग हमने शुरू किया है, आप इसमें हिस्सा लें और मुझे उम्मीद है कि 15 दिन के अंदर बुक हो जाएगा। उसके बाद मुझे नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना ही पड़ेगा, जिस तरीके से लोगों को फोन आ रहे हैं और जो रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग बहुत जल्द 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। ये अक्सर टावर जो है ये भी सोलार पर ही है, इसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह बेहतरीन रहेगा, अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज किया जाएगा, बेहतरीन स्टाफ लगाया जाएगा, मस्जिद से सबसे मेन करीब है ये और सामने हॉस्पिटल वगैरह का भी एकदम करीब है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, मैं दूसरों को तो नहीं लेकिन आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में यकीन दिलाता हूँ कि मैं बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल इस्तेमाल करूंगा, ताकि आप जो जिंदगी भरी कमाई जमा पूंजी खर्च कर रहे हैं आपको उसका
फल मिले और आपको एक बेहतरीन माहौल मिले।